नमस्कार जय हिंद हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स छोटे छोटे टर्म्स को डिस्कस करते हैं अलग वीडियो में एक वीडियो में एक ही टर्म करते हैं एक ही टॉपिक करते हैं तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कन्फेशनल पोएट्री ठीक है कन्फेशनल पोएट्री ट्वेंटिय सेंचुरी का एक बहुत फेमस पोइटिक जॉनरा है जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आइए देखते हैं ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं हर बार पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छे हैं तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए कि आपके एग्जामिनेशन के लिए नेट एग्जामिनेशन के लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैंकर्स टेस्ट सीरीज जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट डब्ल्यू .in पर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस रैंकर्स टेस्ट सीरीज का जिसको आप हमारी वेबसाइट www.englishyogi.in पर इसके लिंक पर जा करके एक्सेस कर सकते हैं आज ही सब्सक्राइब करें 15 अक्टूबर से इस टेस्ट सीरीज़ को हम लोग बिगिन करेंगे इसमें टोटल 50 टेस्ट आप खोलेंगे मिलेंगे 15 अक्टूबर से बिगिन होकर के अगले पचास दिन तक हर रोज एक टेस्ट और उसका सॉल्यूशन भी आपको इसमें मिलने वाला है डिटेल सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो तीन घंटे का डिटेल सॉल्यूशन होगा दो घंटे का पेपर होगा तो कुल मिलाकर के पाँच घंटे टोटल पचास दिनों में आपको ढाई सौ घंटे मिलने वाले हैं टेस्ट और क्लासेस मिला करके ये टेस्ट सीरीज कम क्रैश कोर्स के रूप में आपको मिलने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके प्रिपरेशन के लिए तो आज ही वेबसाइट पर विजिट करें और अपनी टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करके अपना प्लेस और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर और जो कि है कन्फेशनल पोएट्री कन्फेशनल पोएट्री जो है uh, ये एक टाइप ऑफ नैरेटिव एंड लिरिक वर्स है ठीक है ये क्या है एक टाइप ऑफ नैरेटिव एंड लिरिक वर्स पोएट्री है ठीक है जो कि एक इंपॉर्टेंस रखती है और इसको बिगिन इंपेटेंस का मतलब होता है दैट इज पाइनियर्ड ठीक है इट वॉज इम्पाइनियर्ड बाई अमेरिकन पोइट रॉबर्ट लावेल ठीक है रॉबर्ट लावेल ने इसको बिगिन किया था और कहा से इसकी बिगिनिंग मानी जाती है इनकी एक कलेक्शन uh, है पोइट्रिक कलेक्शन दैट इज लाइफ स्टडीज ठीक है याद रखिएगा लाइफ स्टडीज 1959 का वर्क है लिखा किसने है रॉबर्ट लावेल ने ठीक है यहीं से कन्फेशनल पोइट्री की बिगिनिंग होती है तो ये कन्फेशनल पोएट्री होती क्या है इट डील्स विद द फैक्ट्स एंड इंटीमेट मटेरियल एंड फिजिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पोइट्स ओन लाइफ ठीक है ये इसका सब्जेक्ट मैटर है क्या सब्जेक्ट मैटर है दैट इज फैक्ट्स एंड इंटीमेट मेंटल ठीक है कैसे हैं फैक्ट्स हैं ठीक है किसके इंटीमेट मेंटल एंड फिजिकल एक्सपीरियंसेस के ठीक है जो पोएट है यानी कि जो कविता लिख रहा है उसकी खुद की लाइफ के उसके खुद के द्वारा जो एक्सपीरियंस किए गए फिजिकल और मेंटल ठीक है शारीरिक और मानसिक उसमें भी कैसे इंटीमेट ठीक है जो इंटीमेट का मतलब होता है बहुत एक्सट्रीमली पर्सनल ठीक है फैक्ट्स हैं और एक्सपीरियंसेस हैं उसको इस काइंड ऑफ पोइट्री में डिस्कस किया जाता है ओपनली डिस्कस किया जाता है मीन्स कि दिस इज काइंड ऑफ कन्फेशन ठीक है ये कन्फेशन के रूप में है इसीलिए इसको कन्फेशनल पोएट्री कहते हैं ठीक है मच कन्फेशनल पोइट्री वॉज रिटन इन रेबेलियन अगेंस्ट द डिमांड फॉर इम बाय बाई टी एस इलियट एंड क्रिटिक्स ठीक है देखिए ये जो कन्फेशनल पोएट्री है वो टी एस इलियट और क्रिटिक्स ने भी लिखी बट उनकी जो कन्फेशनल पोएट्री है वो एक तरीके का रेबेलियन था दैट वॉज नॉट द काइंड ऑफ पोइट्री दैट रिवील्स देयर इंटीमेट रिलेशन दैट रिवील्स देयर इंटीमेट मेंटल एंड फिजिकल एक्सपीरियंसेस ठीक है इसलिए इनकी जो कन्फेशनल पोइट्री है वो थोड़ा सा अलग है जिसको हम लोग कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री के तहत पढ़ते हैं वो एक्चुअली में वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोइट्री है जिसमें जो पोइट्स हैं वो अपने इंटीमेट रिलेशंस स्पेशली जो उनके सेक्सुअल रिलेशंस हैं सेक्सुअल ट्रीटमेंट्स हैं उसको वो ज़्यादा डिस्कस करते हैं उसको प्रेफरेंस देते हैं ठीक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इनके इस पोइट्री में दिखते हैं इसीलिए वो कन्फेशनल पोइट्री थोड़ा डिफरेंट है ऐसा नहीं कि हम कोई पोएम्स दिखे किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंसेस को पर्सनलाइज करके वहाँ डिस्कस करें दैट इज नॉट अ कन्फेशनल पोएट्री कन्फेशनल पोएट्री स्कूल ऑफ कन्फेशनल पोएट्री इसीलिए कहा गया उसको क्योंकि वो इंटीमेट रिलेशन से स्पेशली सेक्सुअल थिंग्स से भी रिलेटेड है उसको कन्फेशनल पोइट्री कहा गया टेबू थिंग्स से रिलेटेड था आगे कहते हैं बाई इट्स सेकुलर सब्जेक्ट मैटर ठीक है इट डिफर्स फ्रॉम रिलीजियस स्परिचुअल ऑटोबायोग्राफी रिलीजियस या स्परिचुअल ऑटोबायोग्राफी जो है उससे ये अलग है ठीक है किसकी जो एक इसकी इनिशियल बिगनिंग देखी जाए तो अगस्टाइन का जो कन्फ्यूशन था जो कि एक स्परिचुअल या रिलीजियस uh, ऑटोबायोग्राफी है उससे सब्जेक्ट मैटर में डिफर करती है क्योंकि वहाँ उन्होंने कन्फेशन लिखे हैं अपने रिलीजियस पर्पज के लिखे हैं तो उससे इनका सब्जेक्ट मैटर अलग है मैंने बिगनिंग में ही बता दिया कि इंटीमेट जो रिलेशंस हैं जो इंटीमेट फिज फिजिकल एंड मेंटल एक्सपीरियंसेस हैं उसको इस काइंड ऑफ पोएट्री में डिस्कस किया जाता है आगे कहते हैं इट डिफर्स आल्सो फ्रॉम द पोएम ऑफ रोमांटिक पीरियड रोमांटिक पोएट्स जो थे वो भी बहुत सारी सर्कमस्टांसिस और एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करते थे जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ थे टिंटन टिंटन एवी में अपनी खुद की एक विजिट को डिस्कस किया है दूसरा एस सी कॉलर्ज ने डिजेक्शन एन ओड लिखा है तो ये थोड़ा सा उनकी कन्फेशनल पोएट्री से डिफरेंट है क्योंकि इसमें उन्होंने अपने कोई इंटीमेट या प्राइवेट एक्सपीरियंसेस को नहीं शेयर किया है वो सामान्य एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने फेस किया उसको लिखा है बट कन्फेशनल पोएट्री जो है वो अपने इंटीमेट रिलेशंस को अपनी प्राइवेट थिंग्स को पोएट्री में डिस्कस करता है अपने टैबो रिलेशंस को सेक्सुअल रिलेशंस को सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को ठीक है जो बहुत ही एक्सट्रीम प्राइवेट चीज़ें होती हैं उसको डिस्कस करता है आगे कहते हैं द कन्फेशनल पोएट द कन्फेशनल पोएट रिवील्स प्राइवेट आर सिनिकल मैटर्स ऐसे मैटर जो प्राइवेट हैं खुद के अलावा दूसरों को नहीं जानना चाहिए ठीक है उसको वो उसमें देखते हैं दूसरा सिनिकल यानी कि किसी बात का आपके मन में गिल्ट है यानी कि आपको लगता है ये काम आपने गलत किया है तो उसको भी ये जो है इसमें प्रेजेंट करते हैं लिखते हैं आगे कहते हैं अबाउट हिमसेल्फ आर हर सेल्फ ठीक है यानी कि मेल पोइट भी हो सकता है और फीमेल पोइट भी हो सकती है दोनों जो है अपने जो इंटीमेट रिलेशन है प्राइवेट रिलेशन है प्राइवेट मैटर्स हैं उसको जब पोएट्री में डिस्कस करते हैं तो वो कन्फेशनल पोएट्री कहराती है सामान्य मैटर्स को सामान्य एक्सपीरियंसिस को लिखते हैं जैसे रोमांटिक पोएट्स विलियम वर्ड्सवर्थ लिख रहे हैं तो वो कन्फेशनल पोएट्री में नहीं आता जैसे अगस्टाइन अपने रिलीजियस एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं कन्फेशंस में तो वो भी कन्फेशनल पोएट्री में नहीं आता है कन्फेशनल पोएट्री विशेष रूप से वो पोएट्री है जिसमें पोएट अपने प्राइवेट मैटर मैटर्स को डिस्कस करता है ओपनली डिस्कस करता है वो क्या है अच्छा ये क्या इंक्लूड करता है इट इंक्लूड जिसको हम बार बार कह रहे हैं दैट इज सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस मेंटल एंग्विश किसी प्रकार से मेंटली वो टॉर्चर हुआ है उसको लिखता है ठीक है उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस सेक्सुअल रिलेशंस टैबू रिलेशंस रहे हैं उसको कन्फेस uh, करता है ठीक है इलनेस किसी प्रकार की बीमारी है एक्सपेरिमेंट्स कोई प्रयोग किए हैं किसके साथ ड्रग्स के साथ ये भी बहुत प्राइवेट चीज है लोग इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहते फिर भी जब पोएट इसको डिस्कस करता है तो ये क्या है कन्फेशनल पोएट्री है ठीक है या फिर सुसाइड इंपल्स uh, अगर उनको आते हैं तो ये भी एक प्राइवेट चीज है तो इसको भी अगर डिस्कस करता है तो ये भी किस में आता है कन्फेशनल पोएट्री में आता है ठीक है आगे कहते हैं कन्फेशनल पोएम्स पर रिटर्न बाई किसने किसने लिखा एलन गिन्सबर्ग ने लिखा सिल्बिया प्लेथ ने लिखा ठीक है एन सेक्सटन ने लिखा ठीक है जॉन बेरीमन ने लिखा ठीक और इसके अलावा और भी कई सारे अमेरिकन पोइट्स हैं इंडिया में एक नाम हम लोग लिख सकते हैं कमला दास ठीक है कमला दास ठीक है इंडिया में कमला दास को भी कन्फेशनल पोइट्स में काउंट किया जाता है ठीक है तो ये कुछ पोइट्स हैं इसके अलावा सबसे पहले हम लोग बिगनिंग में एक नाम और डिस्कस कर लिया है शुरुआत में ही जहां से इसकी बिगनिंग हुई थी रॉबर्ट लावेल ठीक है तो रॉबर्ट लावेल यहीं पर हम लोग इनका भी नाम बढ़ा लें ताकि एक जगह रहेगा तो इकट्ठा रहेगा याद रहेगा रॉबर्ट लावेल ठीक है रॉबर्ट लावेल गिंसबर्ग सिल्विया प्लेथ सिल्विया प्लेथ बड़ी इंपॉर्टेंट है इनका बेलजार ठीक बेल है बेलजार इंपॉर्टेंट है ठीक है एन सेक्सटन है जॉन बेरीमैन है एंड इसके अलावा कई सारे अमेरिकन पोएट्स हैं ठीक है ठीके? इनका जो प्रोमिनेंट टाइम है तो ये कन्फेशनल पोइट्री वॉज प्रोमिनेंट इन नाइनटीन फिफ्टीज एंड सिक्सटीज ठीक है 1950 और 1960 का जो दशक था लगभग 20 सालों का समय उसमें ये पोइट्री अमेरिका में एक्सट्रीमली पॉपुलर थी ठीक है इंडिया में कमला दास से इसकी विशेष रूप से पहचान होती है कमला दास को एक कन्फेशनल पोइट के रूप में हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पोइट है वो भी ठीक है आगे कहते हैं वर्क्स ऑफ फोर डिस्टिंग्विस्ड अमेरिकन पोइट्स मे बी साइटेड इन इलस्ट्रेशन कौन कौन से ये चार राइटर्स हैं जिनके वर्क्स विशेष रूप से जैसे सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था रॉबर्ट लावेल का लाइफ स्टडीज 1959 में ठीक है फिफ्टी स्नॉटग्रास का हार्ट्स नीडल 1959 का वर्क है इन सेक्सटन के फोर वॉल्यूम्स कौन कौन से टू बेडलम एंड पार्ट वे बैक टू बेडलम एंड पार्ट वे बैक नाइनटीन ठीक है आल माई प्रति वंस 1962, लिव आर डाई नाइनटीन सिक्सटी एंड लव पोएम्स 1969 ये चार वॉल्यूम्स हैं किसके इन सेक्सटन के ये चार के चारों कन्फेशनल पोइट्री के लिए फेमस हैं इसके अलावा जो सिल्विया प्लेथ की पोएम्स हैं वो भी कन्फेशनल पोएम्स के अंदर में आती हैं ठीक है थीके? सिल्विया प्लेथ की जो ऑटोबायोग्राफी है ठीक है बेलजार वो भी कन्फेशनल है तो ये सारी चीज़ें कन्फेशनल पोइट्री के अंदर आती हैं तो ये आपके लिए बहुत इन अच्छी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन थी कन्फेशनल पोइट्री के विषय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी न किसी पोइट के विषय में कहीं ना कहीं किसी न किसी, किसी तरीके से घुमा करके कन्फेशनल पोइट्री से क्वेश्चन जरूर आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके पढ़ाई के लिए सो so उम्मीद करते हैं ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं बहुत क्लियर हो गए होंगे और इससे आपको हेल्प मिलेगी ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे फिर रैंकर्स टेस्ट सीरीज रजिस्टर करना ना भूलें आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक से डायरेक्ट इस टेस्ट सीरीज को विजिट करें और आज ही इसको सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास में शाम के छः बजे की जो लाइव क्लास होती है अगर आप अटेंड नहीं करते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके नेट एग्जामिनेशन के पर्पज से फ्री क्लास है आप सभी एकदम फ्री में कंप्लीट कोर्स उसका एक्सेस कर सकते हैं उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है आप एकदम फ्री में उस कोर्स को उस वीडियो को लाइव क्लास को एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा अगर उस क्लास के पैनल पी या पी नोट भी एक्सेस करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर एक अदर ऑप्शन है जिसमें हमने उसको एक केवल नाम मात्र का शुल्क उसमें रखा है नाइन्टी नाइन रुपीज पे करके आप उसको उसमें जितने पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं वो सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं ये सारी चीजें उसमें आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे और बिना किसी एड ब्रेक के आप वहां पर देख सकेंगे तो बस इस वीडियो में इतनी जानकारी थी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और नए टॉपिक पर नई बातचीत होगी तब तक नमस्कार जय हिंद